जी असलकुम क्या हालचाल है सब ठीक ठाक हो आवाज आ रही है स्क्रीन भी शो हो रही है आवाज आ रही है स्क्रीन शो हो रही है वालेकुम अस्सलाम ख़ैर आफियत ठीक ठाक जी हो रही चलो अच्छा जी करें जी स्टार्ट हम फिर इंट्रोडक्शन कल इंट्रोडक्शन कल हो गया था हमारा चीजों को हमने आज हमने अपनी बेसिक जो चीजें हैं उनको हमने स्टार्ट करना है ठीक है। यूट्यूब मेरे ख्याल में ऑडिबल होगा और स्क्रीन मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा अगर होगा तो फिर मुझे पता लग जाएगा चलो हम स्टार्ट करते हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं चीजों को तो आज अभी दो तीन से चार लेक्चर्स हमारे बेसिक के ऊपर लग जाएंगे जिसमें कुछ चीजें हमने देखनी है बेसिक हमारे पास क्या है अपनी कॉपी पेंसिल्स जो है वो निकाल लो तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में काफी सारे तो टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आर्टिकल है जैसे प्रेपोजिशन है आपके ठीक है उसके बाद एडजेक्टिव है एडवर्ब्स हैं प्रोनाउंस हैं उनके ऊपर एक एक लेक्चर लगेगा लेकिन जो आपके नाउन है, जो आपके क्या है? जो आपके नाउन है वर्ब है और क्या कहते हैं आपके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होता है इन चीजों को हम मैं कोशिश करूंगा कि तीन दिन के अंदर या मैक्सिमम चार दिन के अंदर इनको वाइंड अप करें ठीक है इनको हम क्या करें वाइंड अप करें और उसके बाद जो हम अपने ग्रामर की तरफ जो सेंटेंस कुरेक्शन है उसके पोर्शन की तरफ हम जो हैं वो गामसन हो जाए सबसे पहले अगर हम देखें तो जिसको आज हमने बेसिक डिस्कस करना है आज हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका नाउन 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 को उर्दू में क्या कहते हैं इसम ठीक है नाउन को हम उर्दू में क्या कहते हैं नाउन को हम उर्दू में, में कहते हैं कि इसम जो आपका नाउन है अब बेसिकली नाउन आपका क्या होता है बचपन की चीजें हैं मैं उर्दू में ही बेशक इसको बता देता हूं कि आपको पता है कि किसी भी चीज का नाम कोई इंसान ठीक है किसी भी चीज का नाम किसका नाम वो नाम जोन सा है नेम ऑफ नाउन क्या होता है नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है नेम ऑफ थिंग भी हो सकता है या कोई आइडिया भी हो सकता है कोई आइडिया जो साइडिया का नाम हो उसको भी हम क्या कहेंगे उसको भी हम नाउन जोन सा है या इस हम हमारे पास कहते हैं ठीक है जैसे कोई भी चीज है अली है खालिद है कायद आजम है ठीक है पाकिस्तान है कोई सिटी का नाम है कोई आइडिया आया है ठीक है कोई भी आइडिया है जैसे मैं कहता हूँ कि या जैसे कोई हंस रहा है कोई स्माइल है ब्यूटी है इस तरह की चीजें ये सारी आपकी नाउन होती है ये बेसिक बेसिक चीजें तो आपको पता है उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास नाउन की टाइप्स मैं नाउन यहाँ उसकी लिख देता हूँ उसकी एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा अगर किसी क्योंकि ये आगे ये टर्म्स आगे यूज होंगी ये टर्म्स आगे पंक्चुएशन में ये बेसिक चीजें करवाने का मकसद क्या है कि टर्म्स आगे, आगे आप लोगों की क्या है यूज होनी है तो इसीलिए आप लोगों ने इनको गौर से देखना है नाउन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या है एक प्रॉपर नाउन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉमन नाउन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कोलेक्टिव नाउन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कोलेक्टिव नाउन कोलेक्टिव के बाद हमारे पास आ जाता है जिसको आप जानते हो मेटीरियल नाउन ठीक है मेटीरियल नाउन ये सारे आपके सेंटेंस करेक्शन में वर्ड यूज होंगे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे मसला नहीं होगा और लास्ट जो पांचवी आपकी टाइप आ जाती है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब ये सारे नाउन हैं जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इनके बारे में कभी ना कभी कोई सिंपल सा सवाल जो सा है वो लाजमी पूछा जाता है तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन जो सा है जो कि किसी खास चीज खास जगह या खास मतलब जिसे डिस्टिंक्ट कह लो या कोई पर्टिकुलर चीज का नाम हो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे किसी भी इंसान का नाम है किसी भी इंसान का नाम है अली है ये क्या है प्रॉपर नाउन है ठीक है एक मैं कहता हूँ सिटी कोई शहर है ठीक है कोई भी शहर है एनी सिटी कॉमन नाउन क्या होगा यहां अच्छा देखो अब इसमें डिफरेंस देख दो कॉमन नाउन क्या है नेम लेकिन जब मैं कहूंगा नेम अली है तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन क्या है शहर शहर एक प्रॉपर नाउन है लेकिन मुल्तान क्या हो जाएगा मुल्तान आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये बेसिक बेसिक चीजें अगर किसी को नहीं इसी तरह मैं कहता हूं कंट्री मुल्क मुल्क ठीक है जो मुल्क है आपका जब मैं कहूंगा पाकिस्तान तो वो क्या हो जाएगा वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा ठीक है जिसको आप जोन सा है वो आपका प्रॉपर नाउन ये सिंपल सी चीजें थी इसी तरह कोई भी शहर कोई भी मुल्क कोई भी इंसान उसके लिए हम क्या यूज करें उसको कहेंगे कॉमन नाउन लेकिन जब स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बहावलपुर रहीम रही खां कोई भी शहर तो उसके लिए वो क्या है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा इसी तरह कोई बुक है कोई भी बुक है वो कॉमन नाउन है लेकिन जब स्पेसिफिकली उस बुक का मैं नाम लूंगा किसी भी बुक का तो वो आपके पास क्या होगी मैं कहूंगा पाकिस्तान हार्ड कंट्री तो वो आपके पास क्या होगा प्रॉपर नाउन हो वो आपके पास क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा ये तो आसान सी चीजें थी कलेक्टिव नाउन अभी ये क्या है सिर्फ इनकी बेसिक चीजें सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आगे इनकी जो रूल्स हैं या इनकी जब रेगुलेशंस हम आगे पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है इसका एग्रीमेंट क्या है ये एग्रीमेंट सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या है बेसिक लेक्चर पेंशन नहीं लेते कलेक्टिव तो नाउन क्या होता है जो कि आपका किसी भी ग्रुप को कलेक्शन को या मल्टीपल जो आपकी चीजें हैं उनको डिनोट कर रहा हो कि डिनोट क्या कर रहा होता है ग्रुप कर रहा होता है कि कोई कलेक्शन जैसे आपका क्या है आर्मी है ठीक है आर्मी है पुलिस है आपकी ठीक है आपकी क्या है पुलिस है जैसे आप हम पढ़ रहे हैं ये क्लास है क्लास क्या है क्लास के अंदर आपके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी भी चीज का ग्रुप इस तरह की कोई चीज बता रहा होता है तो वो हमारे पास क्या होगा वो हमारे पास जो सा है वो क्या होगा वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होगा उसके बाद मटीरियल नाउन ये भी नाम से आपको पता है जिसमें आपका क्या है सिल्वर है जैसे ठीक है सिल्वर है गोल्ड है कोई भी मटेरियल, ठीक है जो भी आपकी मादी चीजें होती हैं गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया वाटर हो गया पानी ये एक दफा अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था पानी हो गया मिल्क हो गया ये सारी चीजें जो हैं सब्सटेंस ठीक है मेटीरियल uh, नाउन कौन सा नाउन होता है डेड डी द मैटर और सब्सटेंस जो मैटर जो आपका मादा होता है या सब्सटेंस या थिंग या जिससे कोई चीज बनी हो चेयर हो गई ठीक है टेबल हो गई ये सारे आपके क्या है ये मेटीरियल नाउन होते हैं तो इन सब को हम क्या कहते हैं इनको हम मेटीरियल नाउन कहते हैं इसके बाद इसी तरह आपकी जो सब्जियां सब्जियां कह रहा हूँ ये आपकी कॉटन वगैरह हो गई गंदुम हो गई ये सारी चीजें आपका जो गन्ना वगैरह ये आपके क्या है मेटीरियल नाउन के अंदर आते हैं इसी तरह आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जी एब्सट्रैक्ट नाउन होता है इसमें आप जो सा किसी की कोई हालत भी बता रहे होते हो ठीक है इसमें आप किसी की क्वालिटी बता रहे होते हो इसमें क्या है आप किसी की कोई क्वालिटी बता रहे होते हो किसी की कोई हालत बता रहे होते हो या कोई एक्शन होता हुआ बता रहे होते हो तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम एबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें आप किसी की हालत क्या हो सकती है किसी की हालत हो सकती है पॉवर्टी अमीरी गरीबी ये उसकी हालत है ठीक है इसकी क्या है ये हालत है इस तरह क्वालिटी क्या हो सकती है कि वो जो सा है बड़ा क्लेवर है कोई इंसान बड़ा क्लेवर है ये उसकी क्वालिटी हो सकती है और भी जो है बहुत ज्यादा कि वो वो क्या कहते हैं मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि एंग, इज एंग्री एंग्री क्या है अब उसकी क्वालिटी है जो भी आप कह सकते हो कि उस सेंस में आ जाता है क्वालिटी है स्टेट है इसी तरह अब अगर इंसान जो इमोशन है, है कोई इंसान के जैसे इमोशन है जिसमें इंसान हंस रहा है लाफ्टर ले रहा है ये उसका एक्शन भी हो सकता है रो रहा है क्राइंग ठीक है क्राइंग तो सॉरी उसमें आ जाएगा मतलब क्राई इस तरह से जो चीजें हैं आपकी तो इस ये सारे आपके क्या हो जाते हैं जो आपके इमोशंस हैं जो आपकी चीजें हैं ये सारी किस में आ जाती है एब्सट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती है ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाती हैं ये सारी चीजें आपकी एब्सट्रैक्ट नाउन के अंदर जो हैं? ये आ जाती है अब ये सारी चीजें आपको नाउन बताने का मकसद क्या था नाउन बताने का मकसद ये था एक तो आपको ये आगे सिंपल सिंपल इनकी टर्म्स जो याद हो जाए दूसरी चीज क्या होती है दूसरे चार केसेस पूछ लिए जाते हैं जल्दी जल्दी मैं केस आपको बता दूं उसके बाद मैं बेसिक आपकी चीज के ऊपर जाऊंगा जो आज हमने चीज करनी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब ये तीन चीजें आज हमने करनी है और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा ठीक हो गया अच्छा जी उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है केसेस ऑफ नाउन ठीक है हमारे पास क्या है केसेस ऑफ नाउन नाउन केस के कुछ केस होते हैं चार केस होते हैं नाउन के ठीक है अब एक चीज केसेस बताने से पहले एक चीज याद रखो कि एक आपकी चीज होती है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरा एक आपकी चीज होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट याद रख लो एक चीज कि ये दोनों क्या होते हैं दोनों आपके नाउन होते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी योर नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं ये हमेशा आपके नाउन होते हैं अगेन बता रहा हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अभी क्या होते हैं इनको अब हम हम अभी देखेंगे लेकिन याद रखो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों हमेशा क्या होंगे आपके नाउन होंगे अब अब यहां जो केसेस बता दे बल्कि केसेस 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 चलो पहले मैं बता देता हूं ताकि एक हल्का सा ये कॉन्सेप्ट एफ पी में सवाल पूछ लिया जाता है केसेस के बारे में कि के केसेस कितने होते हैं फिर बाद में आपको अगर अभी थोड़ी सी समझ नहीं भी आएगी तो बाद में थोड़ी सी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद इसकी समझ आ जाएगी केसेज कितने होते हैं जी नाउन के चार केसेज होते हैं जी ये अभी सवाल पूछा गया था कि टोटल केस कितने होते हैं नाउन के नाउन के चार केस होते हैं सबसे पहला जो केस होता है उसको हम कहते हैं नोमिनेटिव केस नोमिनेटिव पहला क्या है नॉमिनेटिव केस दूसरा क्या होता है एक्यूजेटिव केस फिर होता है आपका पोजेसिव केस पोजेसिव केस उसके बाद जो फोर्थ है उसे हम कहते हैं वोकेटिव वोकेटिव ठीक है वोकेटिव केस के चार केसेस हैं आपके कितने केसेस हो गए आपके चार केस हो गए नोमिनेटिव केस एक्यूजेटिव केस पोजेसिव केस और वोकेटिव केस अब ये केसेस हम कैसे हम कब कहें कैसे कहेंगे हमें अब हमारे पास कोई सेंटेंस आता है और उसमें बताया हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास नोमिनेटिव केस कौन सा है एक्यूजेटिव केस कौन सा है पोजेसिव केस कौन सा है या वोकेटिव केस कौन सा है तो याद रखो जो आपका नोमिनेटिव केस होता है नोमिनेटिव केस हमें कैसे पता लगेगा कि जब आपका नाउन जब आपका नाउन जो है नाउन है वो सेंटेंस के अंदर किसका फंक्शन कर रहा हो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा हो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि ये केस केस है एक्यूजेटिव हम नाउन का कहेंगे जब वो एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा हो तो हम कहेंगे ये एक्यूजेटिव केस है इस, इस है ठीक इसकी एक अभी एग्जाम्पल भी इसकी दे दूंगा अभी सिर्फ इसको समझते जाओ कि जब हमारे पास नाउन एक सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होगा तो हम क्या कहेंगे नोमिनेटिव केस है जी जब वो एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होगा तो हम क्या कहेंगे एक्यूजेटिव केस है जी है. और पोजेटिव केस क्या है कि किसी चीज की नाम से आपको पता लग रहा होगा possession. क्या है possession. किसी चीज की क्या कहते हैं उसको पोजेशन को हम क्या कहेंगे पोजेशन मैं कहूं कि जिसमें बता रहा हो बिलोंग टू समवन कोई चीज है ये बिलोंग टू समवन इसका किसी से कोई ताल्लुक है इसकी भी एग्जांपल अभी आपको देता हूं ठीक है किसी से मल बिल्कुल जैसे आपके किसी के साथ वो नाउन किसी के साथ मलकियत अपनी जब जाहिर कर रहा होगा बिल्कुल मलकियत जब जाहिर कर रहा होगा तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये पोजेसिव केस नाउन का यूज हुआ है और वोकेटिव केस क्या होता है वोकेटिव केस आप तब यूज करते हो जब आप किसी इंसान को या चीज को एड्रेस कर रहे होते हो एड्रेसिंग सम स्लैश थिंग ठीक है सबसे पहले वोकेटिव को देख लेते हैं जो मैंने एंड में लिखा है बाकी सबको फिर एक एक करके मैं रिमूव करके वोकेटिव केस कैसा होता है अड्रेसिंग, ऐसे नाउन को कहते हैं ऐसा नाउन वो वोकेटिव केस उसका तब बनेगा जब आप किसी इंसान को बुला रहे हो या किसी चीज को कोई एड्रेस कर रहे हो कैसे आप कहोगे आप में से अभी कुछ कहोगे सर वैन विल आवर लेक्चर एंड हमारा लेक्चर जो सा है सर वो कब खत्म होगा इसमें ये जो सर है ये क्या है ये आपका वोकेटिव केस यूज हुआ है जब आप किसी को क्या कर रहे हो एड्रेस कर रहे होते हो आप कहोगे मैम आप कहोगे मैम वेयर आर यू गोइंग ठीक है वेयर आर यू गोइंग फादर वेयर इज माई पॉकेट मनी जो फादर होगा वो आपका क्या होगा वोकेटिव केस होगा ठीक है आप क्या कहोगे फादर वेयर इज माई मनी कमन बॉयज कमन बॉयज आप क्या कर रहे हो एड्रेस कर रहे हो कमन गर्ल्स इस तरह के जो आपके केसेस बनेंगे इनको क्या कहेंगे जिसमें आप किसी को एड्रेस कर रहे होते हो इन सबको हम कहेंगे वोकेटिव केसेस आपका कौन सा केस होता है वोकेटिव केस जब आप किसी चीज को या किसी चीज को एड्रेस कर रहे होते हो किसी इंसान को या थिंक को वो आपका वोकेटिव केस होता है बड़ा आसान सा था सिंपल सा था ये एफ में पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों तो को आइडिया होना चाहिए अब आ जाता है पॉजेसिव बड़ा आसान है पॉजेसिव पॉजेसिव दिस इज अलीज बाइक ठीक है बड़ा आसान है पास्ट ऑफ यस लगा होता है आगे पंकचुएशन में इसका फंक्शन भी हम देखेंगे कि पोजेशन दिस इज या लिखा हो दिस इज बाइक ऑफ अली ठीक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है बाइक ऑफ अली ये किसकी बाइक है अली की बाइक है ठीक है बाइक किसकी है ये अली की है जिसमें किसी की मिल्कियत शो हो रही है ठीक है जैसे मैं कहता हूं अ मदर्स लव मां का प्यार मदर्स लव ठीक है मां का प्यार ये क्या है यहां पोजेसिव नाउन की सा है वो केस पोजेशन जो है वो शो हो रही है तो ये क्या है आपका यहाँ पोजेसिव केस यूज हो रहा है इसी तरह मैं कहता हूं ए, क्या कहते हैं मतलब डॉग्स कुत्ते की दूम ठीक है तो ये क्या है ये सारे आपके पॉजिटिव केस होते हैं ये नाउन के कौन से केस होते हैं केस बड़े आसान आसान ये दोनों है इसके बारे में सवाल पूछा नहीं जाता लेकिन अगर मैंने आपको बताया तो आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ इनका पता होना चाहिए कि केस जो है वो हमारे पास बेसिकली होता जो है, वो क्या है अब आगे हमारे पास एक्यूजेटिव और नोमिनेटिव केस एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है जब एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होगा और जब एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होगा तो इसमें एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को सेंटेंस मुझे बताओ इस तरह ना बताओ अच्छा एक्यूजेटिव जो केस है मैं इसमें सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं कहता हूं कि ही बल्कि इन दोनों को समझने के लिए पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फिर आप लोगों को वैसे ही आइडिया हो जाएगा मेरे ख्याल में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं हो अब सबसे पहले चीज सबसे पहले चीज हम देखते हैं एक मैं सेंटेंस लिखता हूं मैं कहता हूं कि अली अली मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अली बिल्ट द रोड अली ने क्या बनाई है रोड बनाई कोई बंदा होगा उसने रोड बनाई अच्छा अब दो चीजें याद रखो एक सेंटेंस आ गया आपका एक तो सेंटेंस का हमेशा स्ट्रक्चर वो भी हम आगे देखेंगे लेकिन अब एक सेंटेंस आ गया कि अली बिल्ट द रोड ठीक हो गया याद रखो मैं आप मैं सबसे पूछूंगा आपको कि सर ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये हम बाद में देखेंगे वर्ब को और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है अब हमें कैसे पता लगेगा एक सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे पास हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है हमें यह चीज कैसे पता लगेगी कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है तो याद रखो हमेशा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है एक्शन डूअर एक्शन डूअर जब भी एक सेंटेंस आपके सामने आएगा उसमें जो काम करने वाला होता है एक्शन डूअर वो वो क्या होता है? वो आपका subject होता है है आपका सब्जेक्ट और हमेशा सब्जेक्ट सेंटेंस के जनरली हमेशा नहीं जनरली स्टार्ट में आता है तो वो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है कभी भी किसी बंदे को मसला नहीं आएगा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट आपका क्या होता है एक्शन डूअर जो होता है कोई भी नाउन जो कि एक्शन कर रहा हो एक्शन डूअर क्या होता है subject होता है और अभी के लिए बता देता कि आपका क्या होता 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 है है जो काम हो रहा भी आप भी देखेंगे अभी सिर्फ क्योंकि नाउन के अंदर सब्जेक्ट और object देख रहे हैं, इसके साथ ही हम वर्ब को कनेक्ट करेंगे और हमारा एक्शन डूअर जो है, उसको हम क्या कहेंगे एक्शन डूअर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है एक्शन रिसीवर एक्शन रिसीवर जो एक्शन हो रहा होता है उस एक्शन को जो रिसीव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्या होता है एक्शन को रिसीव कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्शन रिसीवर कहते हैं जो हमारे पास क्या होता है एक्शन रिसीव कर रहा होता है अब यहां देखो अली ने क्या किया अली ने क्या किया रोड बनाई अब बिल्ट क्या है ये एक, एक, एक एक्शन हो रहा है वो एक्शन रिसीव किसने किया रोड ने किया ना ठीक है यहां यहां मैं मैं कहूं मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं अली किल्ड अ स्नेक अली ने एक स्नेक मारा अब इसमें क्या हुआ आपने कहा सर ने अभी क्या कहा था कि सब्जेक्ट क्या होगा जो एक्शन कर रहा होगा अब यहां देखो किल्ड एक सांप मारा ये तो हो गया एक्शन ये वर्ब हो गया आपका अब अली क्या है ये सब्जेक्ट है क्यों इसने एक एक्शन एक 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 किया ये क्या है एक्शन एक डूअर है आपका और स्नेक क्या है स्नेक बिचारे ने इतना एक्शन रिसीव किया कि आखिरकार बेचारा मर गया तो ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये आपका क्या है एक्शन रिसीवर है ये आपका क्या है एक्शन रिसीवर है तो ये चीज समझ आ गई यहां तक कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो आपके क्या होते हैं एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर उनको हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं एक्शन रिसीवर डूअर को और एक्शन रिसीवर को हम क्या कहते हैं एक्शन रिसीवर को हम क्या कहेंगे उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे और और यहां से अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अली क्या है अली नोमिनेटिव केस है अली क्या है नोमिनेटिव केस है और स्नेक जोन सा है ये क्या है एक्यूजेटिव केस ऑफ एक्यूजेटिव केस ऑफ किसका है नाउन का है एक्जेटिव केस और नॉमिनेटिव केस वाला जो यहां तक यहां तक मुझे बताओ कि अभी तक जो चीजें पड़ी हैं वो समझ आई हैं अभी अब हम यहां से जाएंगे एक स्टेप आगे वो एक स्टेप आगे कैसे जाएंगे कि आपको कैसे पता लगेगा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है अभी हम आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे ऑब्जेक्ट की उसके बाद जोन सा है आइडेंटिफिकेशन सीखने के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे और फिर दूसरी चीजें देखेंगे यहां तक मुझे पहले ओके okay करो कि सर यहां तक चीजें क्लियर है हमारे पास यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर आपने आपने एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस आएगा आपके पास उसमें आपने तीन चीजें ढूंढनी है तीन चीजें ढूंढनी है एक आपने एक्शन डुअर ढूंढना है एक आपने एक्शन ढूंढना है और तीसरी चीज जो आपने ढूंढनी है वो आपने ढूंढना है एक्शन रिसीवर वो बंदा या वो चीज जो कि उस एक्शन को रिसीव कर रही होगी ठीक हो गया ये तीन चीजें आपने ढूंढनी है कि एक एक्शन डूअर है एक एक्शन रिसीवर है और एक क्या है जो एक्शन हो रहा है अब मैं एक दो सेंटेंसेस लिखता हूं आपके पास और आप लोगों ने बताना है कि यहां मेरे पास जो है क्या चीज है मैं कहता हूं द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन अच्छा अब मैं एक एक चीज अब इस सेंटेंस को आप बाद में लिख लेना बेशक अभी मुझे सिर्फ इसका आंसर देना है आप लोगों ने ठीक हो गे? आप लोगों ने क्या देना है मुझे अभी इसका सात सात आंसर देना है द ट्रेन क्या है ट्रेन क्या है सिंपल मुझे बताओ कि सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है क्या है द ट्रेन क्या है सब्जेक्ट है जी अच्छा एक्शन आपने ये देख ली अब बताओ रीच्ड क्या है रीच्ड क्या है? वर्ब हो गया द स्टेशन स्टेशन क्या है स्टेशन क्या ऑब्जेक्ट सब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट अच्छा स्टेशन इज नॉट ऑब्जेक्ट लड़ाई करवाओ मेरे साथ स्टेशन जौन सा है अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं अली बिल्ट द स्टेशन अली ने स्टेशन बिल्ट किया अली ने क्या किया स्टेशन बिल्ड किया अली क्या है सब्जेक्ट बिल्ड क्या है वर्ब स्टेशन क्या है ऑब्जेक्ट okay, okay, okay. ओके हो गया ओके हो गया आप कहो कि सर ये क्या मसला है कि यहां स्टेशन ऑब्जेक्ट है स्टेशन ऑब्जेक्ट नहीं है हमें कैसे पता लगेगा कौन सा स्टेशन ऑब्जेक्ट है कौन सा स्टेशन ऑब्जेक्ट नहीं है मसला है ना मसला तो है देखो अब यहां एक चीज यहां एक चीज कौन सी है अब अपनी हेडिंग दे दो हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन आर सेंटेंस अब क्या एक हेडिंग दे दो हाउ टू आइडेंटिफाई आईडेंटिफाई आईडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट एक जो एक्शन रिसीवर है एक तो एक्शन रिसीवर है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ठीक है क्या हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो अब हमने चीजों को देखना है कि किस तरह जनाब हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास वर्ब आया ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है अच्छा जी एक चीज अब देखो पहली चीज ये हैं दो तीन तरीके ये क्या हैं दो तीन तरीके पहला क्या है पहला तरीका है आप उस सेंटेंस का ये है टफ तरीका मैं आपको भी एक्टिवाइज पैसिवाइज पढ़ा नहीं रहा मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है पहला जो तरीका है जो कि टेफ है वो ये है कि ऐसा सेंटेंस जिसका पैसी बनता हो आपने उस सेंटेंस का पैसी वॉइस बनाकर देखना है आपने आपने क्या करना है आपने उसका पैसी कर है उसका वॉइस बनाकर देखना अगर उसका पैसी वॉइस बनता हो अगर उसका वॉइस बनता हो तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या हो सेंटेंस होगा हो उसमें वो आपका ऑब्जेक्ट होगा अब देखो पहला तरीका क्या है पैसी वॉइस बनाकर देखना है पैसी वॉइस का तरीका अगर किसी को नहीं आता तो सिंपल सा बता देता हूं कि आपका सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है जब पैसिव वॉइस में बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले आ जाता है हमेशा उस सेंटेंस का एक्टिवाइज बनता है जिसमें आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है तो बस सिंपल सी चीज यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं बाकी जब हम इंशाल्लाह एक पूरा हफ्ता हमने लगाना है डायरेक्ट इन डायरेक्ट और एक्टिवाइज पैसिवाइज पे तो वहां डिटेल में बताऊंगा अभी सिर्फ क्या है आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए आपने क्या करना है आपने सेंटेंस के अंदर जो आपका एंड में एक वर्ड आया है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है आपने उसका पैसीवाइस बनाकर देख लेना है अब दो सेंटेंसेस हैं हम उसके क्या है पैसीवाइस बनाकर देखते हैं अली ए, बिल्ट द स्टेशन तो क्या हो जाएगा द स्टेशन द स्टेशन इज द स्टेशन बिल्ड

तो एक तो तरीका क्या हो गया कि आपने आइडेंटिफाई जब भी करना है आप उसका क्या बनाओगे उसका पैसीवाइस बनाकर देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट अभी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी प्रैक्टिस ये भी आपको तरीका बता रहा हूं अभी आपको इसका तरीका बता रहा हूं आप लोगों को इसके कम अज कम चार पांच हम सेंटेंसेस करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाएंगी चीजें पहला तरीका क्या है कि आप उसका एक्टिवाइज पैसीवाइज है वो बनाकर देख लो उसका पैसीवाइज बनाकर देख लो दूसरी चीज क्या है उसमें दूसरी चीज आप उसमें ये देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है आपका ठीक है ये ना पूछो मुझसे ये मैं आपको बाद में बताऊं अभी सिर्फ ये देखो अभी आप अपने जहन में सिर्फ इतनी चीज रखो कि द स्टेशन जो सा है द स्टेशन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ये कंप्लीमेंट है ये एडजेंट है या कोई और चीज है उसको हम बाद में देखेंगे ठीक है उसकी सेंस देखनी है आपने उसकी आपने सेंस देखनी है पैसी वाइस अब देखो द स्टेशन इज बिल्ट बाय अली इसकी सेंस ठीक है द स्टेशन इज रीच्ड बाय द ट्रेन स्टेशन वॉज रीच्ड बाय ट्रेन इसकी सेंस नहीं बन रही आपने हमेशा सेंटेंस की सेंस पे जाना है ये भी आगे और भी मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा क्लियर हो जाएंगे दो मिनट सिर्फ ये चीजें लिख लो पहले फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता अभी दो मिनट रुको सिर्फ अब देखो अब आप एक तो ये मैथड यूज कर सकते हो एक आप मैथड यूज कर सकते हो आप रिप्लेस करो उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपके आप, जिस आपको शक है उस वर्ड पे कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं आप उसको सम वन या समथिंग के साथ रिप्लेस करके देख लो सम वन या समथिंग के साथ रिप्लेस करके देख लो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सेंस सेंस सेंटेंस की sense वही रहेगी तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा अगर सेंस चेंज हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा अब इस आप कहेंगे सर ये कैसे आपने कह दिया कि द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन द स्टेशन को आप समवन या समथिंग से रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते द स्टेशन को अगर आप रिप्लेस करना चाहोगे तो वो रिप्लेस होगा समवेयर समवेयर सेंस की बात कर रहा हूं यहां अगर मैं कहता ना अब यहां देखो अली बिल्ट द स्टेशन अली बिल्ट द स्टेशन अब यहां सेंस क्या है अली ने कुछ बनाया है क्या बनाया है समथिंग अली बिल्ट समथिंग तो यहां ये यह समथिंग यहां सेंस सेम रह रही है कि अली ने कुछ बनाया है यहां क्या है द ट्री द अगर आप कहोगे ना सर यहां सेंटेंस तो ठीक हो जाएगा द ट्रेन रींच समथिंग तो सेंस देखो समवेयर स्टेशन का क्या मतलब है कोई जगह है जहां ट्रे, ट्रेन पहुंची है तो उसको एग्जैक्ट रिप्लेस क्या करेगा समवेयर आपने किससे रिप्लेस करके देखा है या समथिंग के साथ तो द ट्रेन रीच समथिंग गलत हो जाएगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है ये भी एक छोटा सा जुगाड़ है अपना क्या करने का ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का अब हम इनको करते हैं थोड़ा सा अप्लाई ठीक है एक तो आप क्या कर सकते हो उसका पैसीवाइस बना सकते हो दूसरा आप उसको समवन या समथिंग के साथ करके सेंस वही रहनी चाहिए मैं अगेन बात कर रहा हूं सेंस वही रहनी चाहिए कहोगे वो कैसे हमें समझ आएगी सेंस की तो अभी जब हम तीन चार अभी मैं आप लोगों को करवाता हूं तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेंटेंस बनाना थोड़ा सा आ जाएगा में मसला होगा तो दोबारा दे दूंगा आप लोगों ने मुझे बताना है मैंने लिखा ही है, है, क्रिकेट बताओ यहां क्या है ऑब्जेक्ट है कि नहीं ही प्लेड क्रिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट वो खेल रहा है एक्शन डू कर रहा है एक्शन डूअर है ये एक्शन हो रहा है और यहां क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो क्या खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है वो अपना एक्शन जो है वो आगे रिसीव कर रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट जो सा है वो है अब देखो ही He... अच्छा अब देखो इसमें और देखो इसका पैसीवाइज बनाकर देख लो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम सेंस सही बन रही है ना सेंस सही बन रही है क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम बिल्कुल आला सेंस बन रही है अच्छा अब देखो ही प्लेड वेल या बॉयज प्लेड वेल ठीक है बॉयज प्लेड वेल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और नॉट बताओ वेल well, यहां ऑब्जेक्ट है कि नहीं समझ आई सबको कि क्यों नहीं है इसको दो दोनों तरह से हम देख लेते हैं इसको रिप्लेस करके देखो ये वेल यहां बता क्या रहा है ये हालत बता रहा है ये क्या है मैनर बता रहा है अब इसको ही प्ले... अच्छा अब आप कहो मुझे सपोज अब आप में से शायद कोई मुझे ये कहे कि सर आपने कहा था और सम वेयर से रिप्लेस सम वन या समथिंग से रिप्लेस करो तो ये बन जाएगा ही प्लेड समवन उसने किसी के साथ जोन सा है कोई खेल खेला तो सेंस तो सही बन रही है देखो ना अच्छा मुझे ये बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है ही प्लेड समवन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि गलत है नहीं ग्रामेटिकली बताओ मुझे सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है वो विद हाँ फिर है ठीक है समझो सही है सेंटेंस सही है लेकिन इस सेंटेंस के सेंस में देखो सेंस चेक करो इसकी

अब हम देखते हैं दो तीन और सवाल ताकि आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट वाला जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए क्लियर हो जाए अच्छा जी अच्छा जी मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट होता ही नाउन है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं क्रिकेट क्या है नाउन है क्रिकेट क्या है नाउन है पहले क्रिकेट नाउन है फिर बाद में ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस की बात करूं अब देखो अब देखो Ali, Ali, deceived मी अली deceived मी सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया बल्कि रुको मैं तीन चार sentences लिख लेता हूं मैं तीन चार सेंटेंसेस इकट्ठे लिख देता हूं फिर सबका आपसे पूछूंगा आप तो उत, उतनी देर में उनका माइंड बना लो ठीक है अली डिसीव्ड मी अच्छा जी ही रिजेक्टेड मैं सबका फिर बार बार आपसे पूछूंगा ही रिजेक्टेड द प्लान इनको साथ साथ लिखते जाओ ही रिजेक्टेड द प्लान ठीक है ही रिजेक्टेड द प्लान अच्छा जी जिया एंटर्ड द रूम जिया एंटर्ड द रूम अच्छा जी उसके बाद अली स्लीप एट नाइन पी एम ठीक हो गया और उसके बाद एक अस ओर एंड में लिख देते हैं के द फार्मर फार्मर क्या करता है रेज करता है फॉर्मर रेजेज द क्रॉप्स जी जी किसी भी टाइप के हो सकते हैं प्रॉपर नाउन भी हो सकता है कॉमन नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट भी और वर् ऑब्जेक्ट भी कॉमन नाउन भी हो सकता है कोलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, है, है. यहां आप देखो ना अली आ गया प्रॉपर नाउन है ठीक है प्रॉपर नाउन है ये ही आ गया तो चलो प्रोनाउन है ना इसको हम बाद में देखेंगे तो यहां अगर होता मैं कहता हूं अली एट तो मैं कहता कि सिटी मैं सिटी कह देता हूं तो नाउन प्रोनाउन कोई भी, तो भी टाइप्स हो सकते हैं उसका आपने घबराना नहीं है अच्छा जी अब मुझे बताओ पहला सेंटेंस अब आ जाओ सारों की अटेंशन हो यहां अली डिसीव्ड मी मी ऑब्जेक्ट है कि नहीं यस और नॉट अली डिसीव मी यस तीन यस चार यस ठीक हो गया यस yes. सब कह रहे हैं जी सर ओके जी पेसी भी बन रहा है इसकी समवन अली रिसीव्ड समन मी की जगह आप समन लगा सकते हो सेंस होके रहेगी तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ही रिजेक्टेड द प्लान ही रिजेक्टेड द प्लान द प्लान द प्लान क्या है ऑब्जेक्ट है कि नहीं द प्लान ऑब्जेक्ट है कि नहीं प्लान क्या है कोई चीज है ना ठीक है कोई चीज है ये इसको आप पैसिव वॉइस बना लो द प्लान इज रिजेक्टेड बाई हिम उसने प्लान जो है वो रिजेक्ट कर दिया तो ही रिजेक्टेड द प्लान तो इसके साथ आप समथिंग भी इसको कर सकते हो तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ ठीक है ये भी आपका क्या हुआ बिल्कुल है सही कह रहे अब बताओ जिया इंटर द रूम द रूम ऑब्जेक्ट है कि नहीं जिया एंटर द रूम रूम इज या रूम वॉज एंटर्ड बाय जिया सेंस बन रही है कोई पैसी वाइज तो नहीं बन रहा द रूम वॉज एंटर्ड बाय जिया और दूसरी चीज द रूम क्या है द रूम कोई जगह है ना द रूम क्या है जगह है इसको समवन और समथिंग से रिप्लेस करो जिया एंटर्ड समवन या जिया एंटर्ड समथिंग तो रूम की जगह क्या आना चाहिए समवेयर आना चाहिए ना किसी जगह पर गया जैसे स्टेशन की बात थी समवेयर वाली सेंस आएगी ठीक है समवन लगा के देख लो समथिंग लगा के देख लो तो ये क्या है नॉट ऑब्जेक्ट ये क्या है नॉट ऑब्जेक्ट अली सब्जेक्ट स्लीप्स वर्ब एट नाइन पी एम ये वर्ब ऑब्जेक्ट है कि नहीं नो ठीक है एट पी एम तो ये भी आपका ना एक्टिव सम लगा सकते हो द फार्मर सब्जेक्ट रेज इज वर्ब द क्रॉप द क्रॉप्स ये क्या है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं रेजेज द क्रॉप्स क्या है समथिंग कोई चीज है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है तो अब किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख लोगे सीख लिया है मेरे ख्याल में आप लोगों ने कोई मसला तो नहीं होगा ठीक हो गया अब यहां अब यहां एक चीज यहां साथ ही एक चीज फिर दोबारा ऑब्जेक्ट के ऊपर आऊंगा फिर दोबारा हम वर्ब के ऊपर जाएंगे ये हम मसले मसाइल आगे आज के लेक्चर में और शायद कल के लेक्चर में भी हमारा चलता रहे अब क्या है यहां एक चीज लिख लो ये सारे हैं वर्ब ये सारे क्या हैं वर्ब अब एक चीज याद रख लो ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए और ऐसे वर्ब जिनके बाद नो no ऑब्जेक्ट उनके बाद ऑब्जेक्ट ना आए उनको क्या हम आसान अल्फाज में कहते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए उनको हम कहते हैं वर्ब और जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना आए उनको हम कहते हैं इन ट्रांटिव वर्ब कितना आसान हो गया कि ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो सेंटेंस के अंदर उन वर्ब को हम क्या कहते हैं ट्रांजेटिव वर्ब ट्रांजिट का क्या मतलब कि वो अपना एक्शन आगे ट्रांसफर कर रहे हैं किसी के ऊपर ठीक है इसकी एक डेफिनेशन आपने क्या लिख लेनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं कि जो अपना एक्शन किसी अगले वर्ड के ऊपर जो कि आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब या जिसके साथ वर्ब सॉरी जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है उस वर्ब को हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता या वो आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही उसने अपना ट्रांसफर करना है ना उसने अपना क्या करना है उसका क्या है मैं चीजें बता रहा हूं रुको ऐसा ऑब्जेक्ट देखो ऐसा वर्ब जिसके साथ एक सेंटेंस के अंदर अब देखो मेरी बात सुनो एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगा उसको हम ट्रांजेटिव और इन कब कहेंगे कि अगर उस सेंटेंस के अंदर उस वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो हम उसको ट्रांजेटिव कहेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा तो वो हमारे पास इन वर्ब कहलाया जाएगा ये सिंपल सी चीज कि अगर ट्रांजेटिव साथ मैंने क्या बताया कि ट्रांजिटिव का क्या है वो अपना ट्रांसफर कर रहा है वो अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर हमने पढ़ा है ना ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट है एक्शन एक्शन रिसीवर उसने रिसीव करना है और वो वो एक्शन क्या है वो वर्ब है वर्ब तो ऐसा वर्ब जो कि अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर कर रहा होगा उसको ट्रांस, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और वो ट्रांसफर कहाँ कर रहा होगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट में कर रहा होगा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसको क्या कहेंगे इन ट्रांटिव वर्ब कहेंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल क्लियर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दो मिनट तरह रुको अच्छा जी अब मुझे एक चीज बताओ अब मुझे एक चीज बताओ अली डिसीव्ड मी ये डिसीव्ड क्या है टीवी या इन ट्रांजिटिव अलीव्ड मी ट्रांजेटिव verb क्या intransitive verb. डिसीव्ड क्या है पूरा ना लिखो सिर्फ टीवी बता दो ताकि आप लोगों का भी टाइम बचत हो जाए ठीक हो गया आपके भी Transitive verb. He rejected the plan. Rejected क्या है ट्रांजेटिव verb या इन verb. Rejected रिजेक्टेड क्या है टीवी हो गया ठीक हो गया टीवी हो गया जिया entered द रूम Entered क्या है

ये ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांजेटिव है कि इन ट्रांजिटिव है इन ट्रांटिव है? है इसी तरह अब ये बताओ लास्ट द फार्मर फार्मर द द द क्रॉप्स क्रॉप्स तो फॉर्मर सा ये ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांटिव है ट्रांजिटिव है शाबाश अब आपको और दूसरी चीज इंग्लिश के अंदर किसी भी वर्ड को याद नहीं रखना जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि रेजेज तो याद ये नहीं रख लेना कि रेजिज हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगा या रेजेज हमेशा इन ट्रांजेटिव वर्ब होगा ये सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करेगा जैसे मैं कहता हूं कि अली फ्लाए अकाइट ठीक है अली फ्लाय अकाइट उसके बाद मैं कहता हूं द बर्ड्स फ्लाई अब मुझे एक बताओ अब इसमें मुझे बताओ सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया और अकाइट हो गया ये काइट क्या है अकाइट क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक हो गया आप लोगों को अब ऑब्जेक्ट का पता लग गया ये वर्ब जो है, ये ट्रांजिटिव है फ्लाई के ट्रांटिव है फ्लाई जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इन वर्ब है

इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है नो no ऑब्जेक्ट तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो अपना जो एक्शन है वो ट्रांसफर कैसे करेगा तो ऐसा वर्ब जो अपना जो एक्शन है उसको ट्रांसफर ही ना कर पाए या जिसके साथ ऑब्जेक्ट ही ना हो उसको हम क्या कहेंगे इन ट्रांटिव वर्ब कहेंगे ट्रांजेटिव और इन ट्रांटिव की समझ आ गई हमने ऑब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते वर्ब की भी एक टाइप पढ़ ली कि ट्रांजेटिव और इन ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है ये चीज क्लियर हो गई यहां तक चीज क्लियर हो गई अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ दोबारा फिर जाएंगे दोबारा वर्ब की तरफ क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक चीज रह गई जो पीपीएससी का, का जो सबसे बड़ा ए, क्या कहते हैं अल्लाह भला करे उसको क्या कहते हैं बड़ा फेवरेट टॉपिक है वो क्या है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है एक आपके पास क्या होता है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक हो गया आपके पास क्या है एक आपके पास ऑब्जेक्ट होता है एक आपके पास क्या होता है? अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते है? है? है. हैं दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर इंसान क्या करे देखो ना मसला तो हो जाता है ऑब्जेक्ट अगर, अगर आ जाएं तो आपको वो क्या होगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है वो एग्जामिनर दोनों ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा बताओ जी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ठीक है तो इनका फाइंड करने का सिंपल सा एक तरीका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपने एक सवाल पूछना है जिसको कहते हैं व्हाट या व्हाट या हू भी होता है कभी ठीक है व्हाट क्या ठीक है व्हाट क्या? क्या या आप आप अभी कहेंगे सर ये क्या बात हो यह अभी सेंटेंस लिखवाऊंगा समझ आ जाएगी और इनडायरेक्ट के लिए जो होता है टू होम या फॉर होम किसके लिए ठीक हो गया फॉर होम टू होम या फॉर होम या टू वट या वट भी लिख लो टू वट फॉर वट किसके लिए ठीक है तो ये सेंटेंस ये दो क्वेश्चन जो हैं, आपने पूछने हैं किन के लिए यह क्वेश्चन आपने पूछने हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए अब ये दो सवाल आप लोगों को पता लग गए ये दो सवाल जो से हैं वो आप लोगों को कह पता लग गया आपने पूछने हैं अब आप कहेंगे सर कैसे पूछने हैं तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि कैसे पूछने हैं। अब देखो अच्छा जी अब इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं एक सेकंड रुको मैं कहता हूं कि आई एम स्केर्ड ऑफ लाइन्स अब आई एम स्केर्ड ऑफ लाइन्स दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है ये क्या है सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है अब आपने डायरेक्ट सेंटेंस जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है क्वेश्चन पूछना है आई एम आई एम मैं क्या हूं आई एम के बाद आपने लगाना है वट आई एम क्या हूं आई एम मैं क्या हूं वट आई एम तो स्केट क्या है ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑफ या किस, किस से आपको डर है है तो तो वो है तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये दो सवाल आपने पूछने हैं कि आपने वर्ब देखना है आपने क्या देखना है आपने वर्ब देखना है और उसके बाद आपने क्या करना है वर्ब देखने के बाद आपने ये दो सवाल पूछने हैं कि आपने उसमें क्या है आप आई एम eh, क्या वट और हूम और उससे आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सा है वो क्या है वो आपने निकाल लेना है ठीक हो गया एक सेकंड जरा अच्छा देखो मेरी बात सुनो आपने एक सेंटेंस देखा अब मैं आपको दोबारा एक सेंटेंस बताता हूं मैं कहता हूं कि शी सर्वड अस कोल्ड फूड उसने हमें ठंडा खाना दिया ठीक हो गया अच्छा, इसका scared, इसको 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 छोड़ दो एक सेकेंड इसको छोड़ दो वो आपकी बात ठीक है इसको छोड़ दो अब देखो अब यहाँ आओ इस सेंटेंस में देखो कि शी अस कोल्ड फूड इसको देखो कि शी अस क्या है ये भी ऑब्जेक्ट है कोल्ड फूड ये भी क्या ऑब्जेक्ट है अब इसमें क्या है आपने देखना है कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपने क्या देखना है कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप सवाल क्या करोगे वट सर्वड उसने सर्व किया what? उसने सर्व क्या किया हमें वट वट का सवाल पूछो वट से आपने के जेहन में क्या आता है शी सर्वड वट उसने क्या सर्व किया है मुझे बताओ ये सवाल आप इसका आंसर आप दो पहले मुझे कोल्ड फूड उसने ठंडा खाना दिया है वट तो ये क्या होगा ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और किसको दिया है अस हमें तो ये क्या होगा ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो इस तरह ये दो सवालों से आपने क्या लग, इसका अंदाजा लगाना है ठीक है कि आपने इसी तरह मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं चलो ये जरा थोड़ी सी थोड़ी सी वो उसको देखो मैं कहता हूं ही थ्रू आ बॉल टू अली थ्री अबॉल टू object नहीं second object नहीं. देखो जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आएंगे याद रख हमेशा आपके पास ऑब्जेक्ट ये भी सवाल पूछा गया थे, आपका मिनिमम ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटेंस में एक भी हो सकता है एक ना भी हो उसके बगैर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है ठीक है मैंने आपको कंजंक्शन के अंदर फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि आपका क्या है आपके पास क्लॉज हो पूरी सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास सेंटेंस पूरा हो जाता है ऑब्जेक्ट जो लाजमी नहीं होता लेकिन एक ऑब्जेक्ट आ सकता है दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें आपका क्या होता है उसको हम कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं उनमें फिर एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जब भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उनमें से दो ऑब्जेक्ट में से एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा होगा दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट तो ऑब्जेक्ट कैसे बना इस वर्ब के रिलेटेड वर्ब के रिलेटेड हम देखेंगे वर्ब का डायरेक्ट जो वर्ब अपना डायरेक्ट आप इस लिहाज से देख लो कि जो सर्व क्या? क्या? लेकिन किसको किया है वो अपना एक्शन ट्रांसफर किसको कर रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर आपने देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या है एक्शन ट्रांसफर होता है जो एक्शन रिसीवर होता है ना वो एक्शन ट्रांसफर किस ऑब्जेक्ट को होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को होगा और इनडायरेक्ट जो सा है उसका ताल्लुक किसके के साथ होता है उसका फिर इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता है ये वजह होती है तो इसमें अगर देखो कि ही थ्रू अ बॉल टू अली तो अब इसमें आपने किस तरह से सेंटेंस की सेंस को समझना है आप देखो कि अब मुझे इसमें बताओ ही क्या है सब्जेक्ट थ्रू क्या है वर्ब तो अब आपने डायरेक्ट जोन सा है अगर देखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास तो उसके लिए आप क्या पूछोगे वट ही थ्रू वट सवाल क्या होगा सवाल हमेशा ये जो वट पूछना है ना ये वट और हुम ये आपने इस वर्ब के अकॉर्डिंगली पूछना है कि ही थ्रू वट ठीक है ही थ्रू वट उसने क्या फेंका तो ही थ्रू अ बॉल तो बॉल क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो किसको फेंकी अली को फेंकी तो अली क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा अब चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई क्लियर क्लियर हो गई सर आपको भी हो गई कि नहीं देता हूं एक और एग्जांपल देखो ही रिजेंटेड आ गिफ्ट टू मी उसने क्या किया है अच्छा दो मिनट में करता हूं ही प्रिजेंटेड ही प्रिजेंटेड अ गिफ्ट टू मी क्या है सब्जेक्ट ये क्या है प्रिजेंटेड क्या है वर्फ अब ये अ गिफ्ट क्या है यह भी ऑब्जेक्ट है मी क्या है ऑब्जेक्ट है अब मुझे आप बताओ जवेरिया खासतौर पर आप मुझे बताओ कि आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट अ गिफ्ट में से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बल्कि जवेरिया खास तौर पर बताओ और बाकी सारे मुझे लाजमी ये भी बताओ आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या सवाल पूछना है वट ही प्रिजेंटेड वट प्रिजेंटेड वट तो वट क्या है गिफ्ट ठीक है गिफ्ट ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू होम किसको किया मुझे तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ आई कि नहीं है अब चीज अब ये क्लियर हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब एक और सुनो माई ब्रदर गेव

इनडायरेक्ट शाबाश क्यों उसने क्या दी मेरे भाई ने कार दी तो गेव वट ही गेव वट ही गेव अ कार तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं किसको दी मुझे तो ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक हो गया ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये चीज क्लियर हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां तक चीजें क्लियर हो गई यहां तक चीजें क्लियर हो गई ना अब एक चीज सिर्फ सिंपल सी अभी वर्ब हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव देखा है ठीक है हमने क्या देखा है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अभी हमने देखना है कि मेन वर्ब क्या है एक्शन वर्ब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब या जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं वो क्या होता है लिंकिंग वर्ब क्या होता है ठीक है लेकिन उससे पहले एक चीज उससे पहले एक चीज उससे पहले एक चीज फिर कौन सा है ठीक है कोई इशू नहीं अच्छा मैं आपको एक चीज कहता हूं कि अली गोज टू स्कूल ठीक हो गया अली गोज टू स्कूल आई अ गिफ्ट फॉर यू ठीक हो गया उसके बाद फिर वही लिख देता हूं माई ब्रदर माई ब्रदर बॉट आ कार फॉर मी जो भी। अब एक चीज याद रख लो एक चीज याद रख लो उसके बाद अभी थके तो नहीं हो ना अभी थके तो नहीं हो चलो अब सुनो मेरी बात यहां एक कॉन्सेप्ट देना था छोटा सा एक कॉन्सेप्ट तो को पता है एक तो आप लोगों को पता है वो क्या कि ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है अच्छा अब ये बताओ वैसे टू स्कूल ही गोज टू स्कूल ये टू स्कूल ऑब्जेक्ट है कि नहीं यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट है कि नहीं देखो ना साथ-साथ आप लोगों की ये चीज भी रिवाइज होती रहेगी अब आप लोगों को एटलीस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना तो आ गया ना नहीं है शाबाश ठीक हो गया अच्छा अब देखो अब ये बताने का मकसद क्या था ये क्या है सब्जेक्ट आई क्या है सब्जेक्ट माई क्या है सब्जेक्ट ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन इन सब पोर्शन को क्या कहते हैं इस सब पोर्शन को इस सब पोर्शन को हम क्या कहते हैं सब द पोर्शन ऑफ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट ये प्रीडिकेट कहलाया जाता है ये भी आपका एग्जाम का सवाल है, कि क्या होता है जी प्रेडिकेट आपका जो आपका पूरे सेंटेंस के अंदर आपके सब्जेक्ट के अलावा सब अदर देन सब्जेक्ट जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो आपका आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं नहीं प्लस ऑब्जेक्ट नहीं अदर देन सब्जेक्ट पूरी जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है प्रीडिकेट क्या होता है वो आपका वो क्या होगा सब्जेक्ट को छोड़कर वो सारा आपका प्रीडिकेट होता है वो क्या होता है आपका प्रीडिकेट होता है ठीक हो गया ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है तो ये मैंने कहीं आप लोगों को बता दू ठीक है हाँ ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी आगे प्रेपोजिशन चीजें इसमें आ जाएंगी अब प्रेडिकेट का तो आपको पता लग गया अब मुझे एक चीज बताओ कि ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्या होता है हमने पढ़ा था ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू ये क्या होता है ये होती है क्लॉज ठीक है तो ये आपका क्या है क्लॉज और सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो आपका पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं उसके अलावा ये जितना पोर्शन है अब इसको मैं क्या करता हूं अब ये इसको मैं ये जरा खत्म करूं आई रैप्ड अ गिफ्ट अब इसमें अगर मैं देखूं तो हमारे पास अली गोज ये क्या है फ्रेज आई रैप्ड ये क्या है फ्रेज माई ब्रदर माई ब्रदर बॉट ये क्या है ये क्लॉज ये सारे क्या है क्लॉज हैं ये हमारे पास सारे क्या है क्लॉज हैं ये सारे हमारे पास क्या है क्लॉज हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता है और एक सेंटेंस में मिनिमम कितनी क्लॉज होती हैं मिनिमम एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपको एक क्लॉज चाहिए होती है मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब जोन है वो चाहिए होता है और उसके अलावा जो आपका पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेज अब यहां तक ये यह सिर्फ क्लॉज और फ्रेज दोबारा बताकर यहां छोड़ना क्यों मकसूद था ये इसलिए मकसूद था कि कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे मैं आपको क्लॉज के अंदर पहले वर्ब की हम चीजें देखेंगे कि वर्ब हमारे पास कौन सा है सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है क्लॉज होता है अभी मैंने वर्ब बताया नहीं कि कौन सा वर्ब मिलकर क्लॉज बनाता है एक्शन वर्ब बनाता है मेन वर्ब बनाता है लिंकिंग वर्ब बनाता है ये चीजें हम क्या करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे और कल यहां से देखेंगे और और उसके बाद फिर फ्रेज देखेंगे और फ्रेज के अंदर भी थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है यह आपको नाम से पता लग जाएगा कि ऐसा फ्रेज ऐसा फ्रेज जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा वो ऑब्जेक्टिव फ्रेज होगा जिसमें नाउन प्रोनाउन आ रहा होगा वो प्रोनाउन फ्रेज होगा जिसमें प्रपोजिशन आ रही होगी जिसमें एडजेक्टिव आ रहा होगा ठीक हो गया ये हर सेंटेंस में डिफरेंट होते हैं कहीं ए, क्या कहते हैं कहीं आपका एक वर्ड वो यूज होता है वो अभी के लिए अपने लिए वो ना करो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट कहीं आपका सेंटेंस के अंदर क्या है कंप्लीमेंट यूज होता है कहीं आपका एक यूज होता है उसे कहते हैं एंड जंक्ट या एड ad, एडवर्बियल भी कहते हैं ठीक है ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा आपका ठीक है ये आपका क्या है हमेशा सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा एडजंक्ट्स होते हैं ठीक है ये आपका क्या होता है ये आपके क्लॉज ये भी आपका क्लॉज के अंदर होता है ये आपके क्या है क्लॉज के अंदर होता है तो ये आपके क्या होती है आपके पास इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और एडजंक्ट्स होते हैं तो कंप्लीमेंट एडज अपने आप को ज्यादा इनमें कंफ्यूज ना करो सिंपल सिंपल उस पर रहो वरना जितना हम ग्रामर में घुसते जाएंगे ना वो चीजें हमारे लिए कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो कम्पलीमेंट होते हैं कहीं एडजेंट्स होते हैं कहीं एडवर्ब्स होते हैं कहीं एडजेक्टिव होते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव तो हम करेंगे लेकिन यहां तक अपने आप को क्या है सिंपल सिंपल चीजें रखो बाकी ए, हमारे पास जो से हैं कुछ चीजें हम कल देखेंगे फ्रेज को क्लॉज को वर्ब को फिर हमारे पास प्रोनाउंस को हमने देखना है एडजेक्टिव को देखना है हमने एडवर्ब्स को देखना है

मैनी इसमें डिफरेंट टाइप के डिटरमाइनर होते हैं तो कल मुझे याद करवाना ये कल डिटरमाइनर जो ये भी आप लोगों को हल्का सा इनके बारे में भी बता दूंगा ठीक है डिटरमाइनर्स डिटरमाइनर्स से से हैं इनका मैं आप लोगों को कल इनका भी बता दूंगा कि जैसे मैं कहता हूँ थ्री बॉयज या सम बॉयज वन बॉयज तो ये सारे इनको क्या कहते हैं ये डिटरमाइनर होते हैं दिस हो गया डेट हो गया ये सारे आपके डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं तो ये भी जोन मैं आप लोगों को कभी कभी सवाल इस तरह का पूछ लिया जाता है तो ये भी आप लोगों को मैं इसका बता दूंगा कंप्लीमेंट और एडजेंट्स का देखो यार देखो एक एग्जाम्पल देखो कि ही पुट सम साल्ट इन सूप ठीक है अब उसने क्या किया है उसने क्या किया है उसने पुट किया है सम साल्ट अब इस सेंटेंस के अंदर आप इन द सूप अगर मुझसे पूछो तो इन द सूप क्या है ये आपका कंप्लीमेंट है ये आपका क्या है ये आपका कंप्लीमेंट है ये कंप्लीमेंट किसको कर रहा है कि आपको इन द सूप को आप हटाओगे ना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा कि सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन है पुट भाई उसने पुट किया है ना ही पुट सम साल्ट कहाँ पुट है इन द सूप इन द क्या कहते हैं कुछ भी हो सकता है इन द टी द कॉफी तो इसीलिए जो सा है ये जो कंप्लीमेंट होते हैं ये आपके सेंटेंस कंप्लीशन के लिए यूज होते हैं और ये हमेशा कंप्लीमेंट सेंटेंस के अंदर जरूरी होते हैं ठीक है? जैसे अब ही समवेर कहीं तो जा रहा है कहाँ जा रहा है स्कूल की तरफ जा रहा है तो यहाँ कंप्लीमेंट हो सकता है इस तरह एडजेंट्स भी होते हैं लेकिन वो डिफरेंट हो जाते हैं उनके उनकी जरूरत नहीं होती वो कभी हम यूज करते हैं कभी यूज नहीं करते तो उस जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव अपी ऑफ दिस लेटर इन माई पॉकेट आई हैव आई हैव कॉपी

ये चीज अगर ना भी हो तो आपका सेंटेंस ठीक होता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो ये जरा थोड़ी सी वो नेक्स्ट लेवल चीजें कभी एग्जाम में उस तरह से पूछी नहीं जाती तो आप इसको अपने लिए सिंपल रखो क्वांटिफायर्स क्वानिफायर्सिफायर डिटरमाइनर्स जो ये समझ लो इसको मैं क्या कहूं आपको किस तरह से ये कहूं डिटरमाइनर्स जो है यार देखो चलो बल्कि दो मिनट रुको अब आप बार बार कह रहे हो तो अब डिटरमाइनर्स करके ही जाओ अब डिटरमाइनर जो सा है ये सफीर के पले डालना डिटरमाइनर करके जाओ ताकि जान छुटे इनकी डिटरमाइनर ठीक है अब डिटरमाइनर जोन से है ना ये क्या करते हैं जो डिटरमेन करते हैं या सेंटेंस का जोन सा है इनका मकसद क्या होता है बल्कि ये आज ही कर लो तो बेहतर है कि ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं या लिमिट कर रहे होते हैं किसको मीनिंग ऑफ नाउन ये नाउन के मतलब को क्या करते हैं डिटरमाइन कर रहे होते हैं या उसको लिमिट कर रहे होते हैं ठीक है? है तो क्योंकि नाउन के रिलेटेड टॉपिक है तो इसको आज ही कर लो खत्म कर लेते हैं डिटरमाइन को ये आपके नाउन के के जो मानी होता है उसको ये लिमिट कर रहे होते हैं या उसको क्या कर रहे होते हैं उसको उसको क्या कहते हैं हम उसको लिमिट कर रहे होते हैं या उसके बारे में बता रहे होते हैं जैसे वन डे अब वन डे में वन क्या है डिटरमाइनर है ठीक है उसके बाद मैनी बॉयज मैनी बॉयज में मैनी क्या है डिटरमाइनर है लिटल गर्ल ये क्या है डिटरमाइनर है तो ये वर्ड्स क्या है जैसे दिस सिटी इज ब्यूटिफुल दिस क्या है डिटरमाइनर है तो डिटरमाइनर के अंदर जो सा है डिटरमाइनर के अंदर जोन सा है डिटरमाइनर के अंदर अब बस मैं बस ये दो चीजें हैं डिटरमाइनर्स के अंदर सबसे पहले क्या चार टाइप्स के होते हैं डिटरमाइनर्स पहले होते हैं आर्टिकल्स आर्टिकल्स को हम देखेंगे ए एन और दी इनको भी हम क्या कहते हैं डिटरमाइनर्स कहते हैं दूसरी टाइप्स इसकी होती है उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव उनको क्या कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या कौन से होते हैं दिस डेट दीज दोज़ ये कौन से होते हैं आपके इनको हम कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव इनको हम क्या कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स थर्ड टाइप्स कौन सी होती है आपकी पजसेसिव उनको हम क्या कहते हैं पजसेसिव डिटरमिनर्स अब पजसेसिव के, के अंदर क्या हो जाते हैं माय माय बुक योर बुक ठीक हो गया उसके बाद हिज हर इट्स आवर देयर इस तरह के ये पजसेसिव होते हैं और लास्ट जोन से होते हैं वो होते हैं क्वांटिफायर जिनका स्पीड में पूछा था वो क्या होते हैं उनको कहते हैं क्वांटिफायर्स उनको हम क्या कहते हैं क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स क्या होते हैं जैसे मैंने आपको बताया वन टू थ्री मैनी फ्यू सम ठीक हो गया मोर मोस्ट ये सारे क्या होते हैं ये आपके क्वांटिफायर्स होते हैं ये क्या होते हैं इनको कहते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर तो सेंटेंस के अंदर ये जहां साथ यूज हो रहे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं ये डिटरमाइनर्स होते हैं और इनका मकसद क्या होता है कि नाउन का जो मीनिंग होता है उसको ये लिमिट कर रहे होते हैं या नाउन के मतलब को डिटरमिन कर रहे होते हैं ठीक है मतलब कि ऑल बॉयज अब बॉयज क्या है नाउन ऑल बॉयज सारे के सारे बॉयज एक हम लिमिट बता रहे हैं ठीक हो गया तो ये आपके क्या होते हैं तो इनको फिर आगे डिटेल में क्वांटिफायर्स को भी ये आपकी क्वांटिटी बता रहे होते हैं ये पोजेशन बता रहे होंगे ये किसी की और चीज को डिमांस्रेट कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इनके ऊपर ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यही हमारे लिए क्या है मोर देन इनफ होंगे ठीक हो गया जी यहां तक हमारा नाउन हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास क्लॉज और फ्रेज को थोड़ा सा टच कर लिया हो गए बाकी मॉडिफायर्स आपके एडवर्ब और एडजेक्टिव इनको हम शायद परसों देखें कल मैं क्लॉज और वर्ब यहां से स्टार्ट करूंगा कल हम वर्ब देखेंगे और कोशिश होगी कि कल मैं प्रोनाउन जो आप लोगों को करवा दूं यहां तक किसी का कोई मसला मसाइल हो तो बताओ आज के लिए यहां तक ही चीजें बाकी इन शाह जो है वो हम कल यहां से फिर कंटिन्यू करें ओके है सबको जिनका पहला लेक्चर था उनको समझ आई है चीज़ें कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ कोई चीज समझ ना आई हो या कोई इशू हो चलो मधे चलो अलहदुल्ल क्लॉज क्लॉज और फ्रेज को कल इंशाल्लाह दोबारा करवाऊंगा क्लॉज और फ्रेज को हम कल करेंगे वो इतना मसला नहीं है वो आज सिर्फ एक हल्का सा कॉन्सेप्ट मैंने देना था कल उसको डिटेल में करेंगे क्लॉज और फ्रेज को ठीक है क्लॉज वैसे भी सिंपल है सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है ना वो आपका क्लॉज होता है सिंपल सी चीज जिंदगी में याद रख लेनी है हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब जोन सा है वो हमेशा आपका क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब बस बाकी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे चलो जी ठीक हो गया कल इन इसी टाइम साढ़े सात बजे दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों के साथ हाँ जूम के साथ और बाकी जो यूट्यूब पे हैं और यूट्यूब पे भी कल और परसों इनशा वहाँ भी साढ़े सात बजे आप से लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और अपना जौन सा है ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज रब रखा